तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि रोज़ कमेंट करते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता जिनका कमेंट नहीं आता हो सैनिटरी इंस्पेक्टर बुक के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सैनिटरी इंस्पेक्टर की बुक के बारे में, कब तक जो है मार्केट में आ जाएगा और अभी की जो क्या स्थिति बनी हुई है, कितना काम पेंडिंग है और कितना हो चुका है, सारी ही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बुक के बारे में बता दूँ, मेरी तरफ से काम 1% भी ढीला नहीं है। पब्लिशर वाले इतने खराब पब्लिशर वाले मिले हैं मेरे को जो पूछो मत भाई लोगों। मैंने उनको पूरा कंप्लीट मैटर दिए हुए, मैं आपको बता दूं 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, जबकि मैं आपसे पहले बोल रहा था न्यू ईयर पे बुक लॉन्च हो सकता है, लेकिन उन्होंने इतना काम लचड़ किया है। और मेरी तो छोड़ो, उन्होंने स्टाफ के कैंडिडेट को भी परेशान कर रखा है, परेशान इस तरीके से उनके टाइम पे सैलरी भी नहीं आ रही है। एक जैसे कि मंथली बेसिस पे कोई कैंडिडेट काम करता है और उसको आप टाइम पे सैलरी नहीं दोगे, जो वो रोजी रोटी के लिए कर रहा है, ठीक है, जब उसकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, उनसे बोलते हैं आप पहले काम कंप्लीट करिए फिर हम आपको सैलरी देंगे। तो दोस्तों मैं तो एक बहुत बुरी बात मानता हूँ इसको, अगर अपन किसी को भी काम पे रखते हैं अपन भूखे रह ले, लेकिन सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसका टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उनको काफ़ी दिन पहले ही जो है बुक से रिलेटेड मैटर दे दिया था, कम से कम 2 से 2.5 3 महीने होने को है, और बुक का जो है उन्होंने इस प्रकार से टाइप किया है मैटर के, मैं आपको क्या बताऊं, बुक एक साथ नहीं आ सकता है। आपका बुक जो है 2 पार्ट में आएगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके। वॉल्यूम 1 में जो है आपको 42 चैप्टर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, उसके बाद में जो है आपको उसी बुक के अंदर जो है प्रैक्टिस 16 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या मिलेगा आपको, पार्ट मतलब वॉल्यूम 2 में क्या मिलेगा, वॉल्यूम 2 में जो है आपको 25 फ्रेशर पेपर मिलेंगे, उसके अलावा आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट MCQs उसमें मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसमें ओनली प्रीवियस पेपर नहीं रहेंगे, वॉल्यूम 2 में आपको जैसे कि मान लीजिए DSSB का रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, तो DSSB के हिसाब से उसमें प्रैक्टिस सेट बना दिए जाएंगे, या राजस्थान में कोई रिक्वायरमेंट आ गया तो राजस्थान के हिसाब से उसमें प्रैक्टिस सेट ऐड कर दिए जाएंगे, कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए हरियाणा का आ गया या फिर यूपी का रिक्वायरमेंट आ गया, तो जहाँ का भी कोई वैकेंसी जाएगा उसके हिसाब से, उसके परीक्षा पैटर्न के हिसाब से उसमें प्रैक्टिस सेट जो है ऐड किए जाएंगे। बाकी जो है वॉल्यूम 2 में आपके प्रीवियस ईयर पेपर और जहाँ की भर्ती रहेगी, जैसे कि DSSB राजस्थान या हरियाणा या यूपी या फिर बिहार की जहाँ की भी रहेगी, तो उसके परीक्षा पैटर्न के आधार पर उसमें आपको कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस करने के हिसाब से, और विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। विद सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आंसर की के साथ में, आपको प्रॉपर उसका क्वेश्चन है, जैसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है उसका प्रॉपर हल मिलेगा आपको और आंसर की भी मिलेगी, ठीक है, दोनों ही चीज़ मिलेगी, ताकि आपको पता चले ये क्वेश्चन किस प्रकार से कितने प्रकार से हल हो सकता है। तो अभी अपन बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ वॉल्यूम 1 की। वॉल्यूम 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया 42 चैप्टर मिलेंगे और 16 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कॉमन रहेंगे, जिसमें आपको मैं बता दूँ 50 तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, हिंदी रहेगी और GK रहेगी, इंग्लिश रहेगी, मतलब आपके DSSB की पैटर्न के हिसाब से 16 प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे इसमें साथ में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे को पब्लिशर वालों ने किस प्रकार से टाइप करके दिया मैटर, मेरे को पहले तो दिया इन्होंने 21 चैप्टर टाइप करके, ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने कर दिए प्रैक्टिस सेट इसी में टाइप, ठीक है। अब जो फर्स्ट बुक है वो भी मैं जो है प्रिंटिंग के लिए रेडी नहीं कर सकता, और सेकंड बुक का तो इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर टाइप किया ही नहीं, तो इस वजह से मेरा बुक ऑलरेडी लेट हो चुका था। पहली मेरी प्लानिंग थी कम मार्क निकालेंगे, लेकिन जब इनका टाइपिंग रेशो देखा मैंने, तो टाइपिंग रेशो में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 22 चैप्टर और ये 16 प्रैक्टिस सेट जो है इसमें वॉल्यूम 1 के, इन्हीं में आपके जो है 600 पेजेज में ये टाइप हुए हैं, ठीक है। तो वैसे भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की मिला के बात करें अपन तो 1200 पेज पे जाएंगे, ये 1200 पेज का इतना मोटा बुक बाइंडिंग होना, प्रिंटिंग होना बहुत ही भारी काम हो जाता है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और MRP भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इतना जल्दी भी नहीं है और अभी कोई वैकेंसीज भी नहीं है, तो चलो मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वैसे भी पिछली जो बुक आई थी पार्ट वाली उसमें भी है प्रीवियस ईयर पेपर, तो लेकिन यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर पेपर और जैसे कि कहीं की भी वैकेंसी आएगी तो उसमें उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो
वो जो है अपन बाद में भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों को बहुत आवश्यकता है, जैसे कि मई जून के सेशन में जो है आपके एग्जाम लगने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के और एनसीबीटी से जो आप डिप्लोमा करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के उनके, तो वो बच्चे तैयारी कर सकें और उससे पहले जो है मार्केट में ये बुक आ सके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बुक को वॉल्यूम वन को पहले लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मेरे पास ये पूरी फाइल आ चुकी है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, इसमें 593 मतलब 600 पेज मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। तो 600 पेज की ये बुक आपको मार्केट में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मई जून में जो एग्जाम लगने वाले हैं उससे पहले लॉन्च कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरे पास आ गया और ये बड़ी मुश्किल से आया दोस्तों, ये मैटर टाइप होकर मैंने बहुत ज़्यादा उंगली की पब्लिशर वालों को, उनसे मतलब रिक्वेस्ट करते करते तो मेरे को 3 महीने हो ही चुके थे, 3 महीने में भी उन्होंने मेरे को टाइप करके मैटर नहीं दिया। अब ये फाइल जब मेरे पास आ गई तो अब इसकी फाइनली में जो क्या है प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कोई भी हो जैसे कि आप ही का बुक हो तो आप भी सोचेंगे कि बुक में कोई मिस्टेक ना रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो उन्होंने टाइप करके दे दिया, अंधाधुंध भी दिया, कैसे दिया, अब देखना मुझे फाइनली कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं ना टाइपिंग वर्ड की, आंसर की में, क्योंकि अपन जो है वर्ड की थोड़ी बहुत मिस्टेक चल जाएगी लेकिन आंसर की नहीं चलेगी। अगर आपको दो चार जगह भी आंसर की में मिस्टेक दिखी तो आप सोचेंगे बहुत ही मिस्टेक है बुक में और बुक पिट जाएगी और आपको भी गलत इंप्रेशन जाएगा बुक का। तो मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक में 1% भी जो है मिस्टेक ना रहे, इसलिए कम से कम 1 महीना मैं लूंगा इस बुक में। मैं खुद इसको पढ़ करके देखूंगा कहीं कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, जो जहाँ पर भी कोई मिस्टेक रहेगी उसको मार्क करूंगा, मार्क करके वापस जिस कैंडिडेट ने ये बुक टाइप की है उसको वापस से मैं पेज नंबर सही भेजूंगा और वो जहाँ पे मिस्टेक है उसको वापस से रिमाइंडर सही करेगा। फिर उसके बाद फाइनलाइज में एक बार इसको अपनी निगाहों से निकालूंगा, दोबारा से चेक करूंगा, उसके बाद ही ये बुक जो है प्रिंटिंग के लिए जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक को जो अभी आप मान के चलिए 11 मार्च हो चुका है, ठीक है। तो 11 मार्च के बाद में अप्रैल आएगा और मई मई में आपके जो है ये बुक मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, किसी भी सूरत में मई में इसको लॉन्च कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आपके जो कमेंट रहते हैं मैं क्या आपको रिप्लाई दूं यार कमेंट का, मैं खुद ही इतना परेशान हूँ, इतनी उंगली कर रखी है मैंने पब्लिशर वालों को, पूछो मत हो। मतलब मैडम को जो है मैंने आप मैसेज किया, मैं मेरा काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ तो मैडम जो मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर है मैसेज सीन नहीं करती है, मैसेज सीन जानबूझ के नहीं करती है, जब फोन करता हूँ फोन अटेंड नहीं करते, मैं फोन करता हूँ उनका बिजी आ जाता है तो रिटर्न कॉल नहीं करते हैं, मतलब इतना परेशान किया पब्लिशर वालों ने, क्या बताऊँ मैं तो खुद परेशान हो गया। तो इंडिविजुअल मैं खुद सोच रहा हूँ अगर ये जैसे कि ऐसे ही काम करेंगे तो मैं नेक्स्ट इनको कोई प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा तो 4 से 5 बुक का प्रोजेक्ट है, अभी तो मैं इसको इंग्लिश मीडियम में निकालूंगा, ठीक है। इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव भी ऐड करूंगा और हो सके तो मैं हर एक स्टेट की अलग अलग बुक भी निकालने की सोच रहा हूँ आगे इन फ्यूचर प्लानिंग। तो फिर ऐसे पब्लिशर के साथ जुड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो है मेरा खुद का नुकसान हो रहा है। पहले जैसे कि आप सबको पता है UPNHM की वैकेंसीज का एग्जाम लग चुका है, ठीक है, बिहार स्टेट्स का एग्जाम लग चुका है, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी एग्जाम लग जाएगा शायद वहां तक, ठीक है। तो ये ओवरऑल नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ ना। और आप जानते हो अभी जनवरी में भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्जाम लगे थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी ये जो बुक है सेल होती और आप सबको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन सेम टू सेम उठ करके आए। इसके मेरे जो है 30 वीडियो डाले हुए हैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी पर पैरामेडिकल कैरियर अकेडमी पर, तो बच्चों ने वही वीडियो देख करके काम चलाया और एग्जाम दिया है, तो बहुत सौ का रेस्पॉन्स मिला है देखने को, सर आपके जो ये वीडियो हैं इन्हीं में से 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले हमें एग्जाम में। तो अगर सोचो उनके पास ये बुक होती तो और कितनी अच्छी तैयारी कर पाते और कितने कम टाइम में कर पाते, उनका कितना समय बचता, जैसे कि उन्होंने 10 10 12 12 मिनट की भी वीडियो देखी है, वो ना देख करके अगर वो बुक से पढ़ते तो उनको कितना अच्छा लगता, ठीक है। और इससे जो है और भी बच्चों को जो है एक अच्छा मैसेज आता कि बुक रियलिटी में बहुत अच्छा है, और मतलब चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज MCQs बने हैं, चैप्टर वाइज इसका डिस्क्रिप्टिव भी जब इसमें ऐड किया जाएगा तो बुक और कितना अच्छा हो जाएगा। साथ में आप कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि रेलवे हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, कंटेनमेंट बोर्ड हो गया, म्यूनसिपल बोर्ड हो गया, इन सभी की जब अगर ये वैकेंसी आ रही है जैसे कि मैंने आपको बताया सूरत का, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयारी करने के लिए बुक चाहिए बच्चों को, ठीक है। चाहे वो पेपर गुजराती में आए लेकिन हिंदी में पढ़ करके वो तैयारी तो करेगा ना, लेकिन जब वैकेंसी आकर के निकल जाए और उसके बाद में बुक लॉन्च करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं खुद ही चाहता हूँ बुक जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए, लेकिन पता नहीं पब्लिशर वालों ने चाह क्या रखा है, मतलब इस तरीके से मैटर जो है मेरा इन्होंने टाइप किया है ना, तो मैं OLM 1 जो है प्रिंट करवा सकता हूँ ना OLM 2 करवा सकता हूँ,
ऐसे के लिए बोल दो इनसे, पैसे ये एडवांस में ले लेते हैं ठीक है, बाद में जो है कस्टमर को इधर से उधर भटकाते रहते हैं, बस इनको पैसे से मतलब होता है। लेकिन इनको ये नहीं पता है इनकी खुद की छवि खराब हो रही है, इनको ये नहीं पता का अपने को जो है इस बंदे से कितना प्रॉफिट होने वाला था, अपनी कंपनी को 5 से 6 बुक जो है ये अपने को प्रोजेक्ट के रूप में देने वाला था, लेकिन अब मैं इनको कोई बुक नहीं दूंगा, यही एक ही बुक रहेगा। हो सका तो अगर इन्होंने थोड़ी सी भी मेरे से आगे जा करके ऐसा किया, लच्चड़पन बिल्कुल ही ढीलापन दिखाया ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं दिया, फोन नहीं उठा रहे, फोन अटेंड नहीं करे, तो हो सकता है मैं खुद ही इंडिविजुअल पब्लिशर खरीद लूँ, पब्लिशर ले लूँ और खुद ही अपने पब्लिशर पे काम करने लग जाऊँ और आपके लिए जो है हर एक चीज़ समय पे उपलब्ध करा पाऊँ। क्योंकि देखो बातें चल रही है अभी राजस्थान में भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का कुछ ना कुछ हो सकता है, DSSP में रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकता है, BR में कभी भी आ सकता है, बहुत सारे पदों पर स्वीकृति मिली हुई है। तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पर बुक के सैंपल दिखा देता हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बुक किस प्रकार से टाइप हुआ है ठीक है, क्या क्या कमियां है वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाता जाऊंगा साथ में। थैंक यू। तो दोस्तों एक नज़र देख लीजिए बुक में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है ठीक है, तो यहाँ क्रमांक संख्या 1 पे जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय टॉपिक है ठीक है, और पेज नंबर 6 से लेकर 7 तक यही है, और क्रमांक संख्या 2 पे जो है स्वतंत्र निरीक्षक की भूमिका टॉपिक है, पेज नंबर 8 है ठीक है, और क्रमांक संख्या 3 पर भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र और गणित टॉपिक है, जिसका पेज नंबर 9 से लेकर 11 तक है ये। तो इसी प्रकार आपको जो है ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के ठीक है, और ये सारे के सारे टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव है, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है तो आपको यहाँ पर ये देखिए 90 टॉपिक तो ये हो गई ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 20 पे जो है आपका व्यवहार विज्ञान है जो 74 से लेकर 75 तक है, और 21 पे जो है पोषण टॉपिक है जिसमें आपका 76 से लेकर 79 तक है, 22 में जो है आपका प्रोटीन एनर्जी कुपोषण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रोटीन एनर्जी ही लिखा है उसने, कुपोषण नहीं लिखा, तो ये मैंने यहाँ पर कुपोषण लिखा है पेन से। तो अब ये जो है जो चीज़ें मुझे दिख रही है जो कमियाँ है ठीक है टाइपिंग में, तो वो उनको वापस से सही करनी है, इसी वजह से बुक में टाइम लग रहा है जैसा कि मैं आपको आगे बता चुका हूँ ठीक है। तो ये एक बार मेरे को खुद को रीड करनी है, देखनी है कहाँ पे क्या क्या शब्दों की जो है मिस्टेक है, कहाँ कहाँ पे जो है आंसर की में मिस्टेक है। तो इसी चीज़ों के लिए जो है मैंने बुक को अभी लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बुक में 1% भी जो है मिस्टेक रहे। तो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण आपका 80 से लेकर 83 तक है ये टॉपिक, फिर यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ आपके टॉपिक हो जाते हैं इस पेज में दे रखे हैं आपके 39 तक ठीक है, जबकि टोटल कंटेंट जो है मैंने आपको 42 टॉपिक बताए हैं। अब यहाँ पर 27 क्रमांक संख्या 27 पर ले सकते हैं संबंधित जानकारी और आधारभूत आंकड़े, यहाँ पर स्वास्थ्य लिखना भूल गए वो ठीक है, जबकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आधारभूत आंकड़े हैं इस टॉपिक का नाम ठीक है, तो यहाँ पर यह स्वास्थ्य ऐड करवाना है इसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को देखनी है, उसके बाद में ये बुक जो है मार्केट में आ पाएगी। एक दो छोटी मोटी वैकेंसी जी उनके एग्जाम में, तो उनके लिए तो मैं अपनी बुक की जो है रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकता दोस्तों, थोड़ा आप समझा करो, आपके कमेंट आते रहते हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ का हाँ बुक से रिलेटेड आपकी काफ़ी क्यूरी है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं मार्केट में जल्द से जल्द बुक आए, लेकिन मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी मिस्टेक वाला बुक आए, मैं चाहता हूँ एकदम परफेक्ट बुक आए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो, आप जो है इस बुक को सभी को रिकमेंडेड करेगा हाँ ये बुक बहुत अच्छा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ाई करने वाले, तैयारी करने वाले, डिप्लोमा करने वाले या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, तो सभी को आप खुद जो है आगे से इसको रिकमेंडेड करें अदर स्टूडेंट को। इसी वजह से जो है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मई में आपके ये बुक लॉन्च कर देंगे किसी भी सूरत में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और लगेगा इसमें ठीक है। सारी परेशानी मैंने बता दी क्यों लेट हुई है, किस कारण हुई है, दो दो तीन तीन भर्तियों के एग्ज़ाम लग चुके हैं, और वहाँ पर जो है मैंने उस टाइम पे ये बुक मार्केट में लाने की बात कही थी, लेकिन पब्लिशर वालों ने ऐसी बैंड बजाई है कि ये उस टाइम पर बुक नहीं आ पाई है, और अभी भी मैंने एडवांस में उनको पेमेंट कर चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए आप, इसका Volume 2 आएगा जिसमें आपको मैंने बताया था प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट अलग से आएंगे उसमें भी ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अपन Volume 1 लॉन्च कर देंगे अभी, और जो है मार्च 2022 में जो है Volume 2 लॉन्च कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मार्च 2022 आएगा उसके बाद इस बुक में भी थोड़ा सा चेंजेज और करने को मिलेगा, जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दो ही चीज़ें देखने को मिलेगी 2022 में। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बुक को अपन बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे आगे। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो
40 नंबर का जो क्रमांक संख्या है उस पर आपका प्रकाश और विकिरण, तो विकिरण यहाँ पे देखिए आप टाइपिंग में मिस्टेक है, विकिरण लिखा हुआ है, तो विकिरण में ये मैंने किया है, तो ये उनको सही करना है। वापस से मैं उनको भेजूंगा पेज नंबर के साथ में। और यहाँ पर 42 पे आप देख सकते हो, भोजनालय में खाद अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम है इसका नाम। यहाँ पर देख खाद अब लिखा हुआ है, मिश्रण लिखा हुआ जबकि अपमिश्रण है इसमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभ्यास प्रश्न पत्र 1 दे दिया इन्होंने, 133 से 159 तक, जबकि यहाँ पर 22, 23, 24 लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, ये लिखना होना ही नहीं चाहिए। या तो यहाँ सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चलना चाहिए था, जैसे कि यहाँ प्रश्न पत्र 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, 3 कर देते, क्योंकि ये अभ्यास प्रश्न पत्र अलग से हैं इसमें, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके 16 अभ्यास प्रश्न पत्र इसमें ऐड है। टोटल आप देख सकते हो 582 पेज की फाइल है ये, ठीक है। तो 582 पेज की है, और आप जानते हो 582 के बाद में अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी में ऐड करते हैं तो ये बुक 1000 पेज के समथिंग चली जाती। इतना बुक जो है उसको बाइंडिंग करना, क्योंकि आप जानते हो बाइंडिंग छूट जाती है, ज़्यादा मोटे पेज की होती है तो अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाती है। तो इसी के लिए अपन Olume 1, Olume 2 में उतारेंगे मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी जो है एक झलक दिखा देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट टॉपिक की सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय। ये आपकी ऐसे रहेगी बुक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि वह कौन सी बीमारी है जिसका विश्व से निर्मूलन हो गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक। दूसरा क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी और कब दी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंसलोन ने 1951 में। तो दोस्तों आपको 42 कंटेंट सेम टू सेम ऐसे देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। जैसे कि आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया हो तो उसमें पहला टॉपिक जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय है, और उसमें आपको ऐसे एमसीक्यूज नहीं है, तो हमने एमसीक्यूज क्रिएट किए हैं आपके लिए, ठीक है। और इसी का डिस्क्रिप्टिव भी ऐड करेंगे हम 2022 में, 2022 में हो जाएगा इसी में। जैसे कि ऑब्जेक्टिव तो अभी तैयार हो गया आपका, ठीक है। अभी जो बच्चे हैं डिप्लोमा वाले तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सफिशियंट रहेगी ये बुक, और इसी में डिस्क्रिप्टिव भी ऐड कर देंगे 2022 के अंदर। जो पार्ट का बुक था डिस्क्रिप्टिव, उसी को दोबारा से टाइप करवा कर चैप्टर वाइज इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 2022 में इतना अच्छा हो जाएगा ये बुक, ये मान के चलिए मार्केट में कोई सा बुक नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से, टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप भी सर्च मार लीजिएगा, नहीं मिलेगा, मंगवा लीजिएगा, फिर भी आप इस बुक को मंगवाएंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से बुक मिलेगा ही नहीं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर राज्य स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के रूप में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी। फाइव नंबर का क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का संबंध किस से है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 1936 में ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के परिणाम नहीं है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिलना, ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप यहाँ पर ऊपर ही ऊपर, लंदन में हेजी की महामारी कब फैली, तो 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इंग्लैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 1848 में। 9 क्वेश्चन हेजा बीमारी किसके कारण होती है, अशुद्ध जल से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह कहा जाता है, तो हेजा महामारी है इसको जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह कहा जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है आंत्र ज्वर बीमारी किसके कारण होती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अशुद्ध जल से होती है। अब देख सकते हो आप दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा है आंत्र जोहर टाइफाइड बीमारी को भी कहते हैं, तो ये जो क्या है स्टार लगा करके यहाँ नीचे लिखना था, ठीक है, नोट लगा करके, जबकि इन्होंने वायु के जस्ट इधर यहाँ पर लिख दिया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे वायु के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, तो जबकि यहाँ पर ये तीर का निशान बना है मैंने, ये यहाँ पर लिखवाना है मुझे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब मिस्टेक रह गई, तो ये मुझे सही करवानी, और इसीलिए जो है थोड़ा लेट और होगा ये बुक, और कुछ नहीं है। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है विलियम बर्ड आंत्र जोहर बीमारी पर कब अध्ययन किया, तो 1856 में किया। तो पेज नंबर 6 पे देखिए आप, ये जो टॉपिक है इसमें 12 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए, और इसके सेकंड पेज पे चलते हैं, इसमें देखिएगा आप 22 क्वेश्चन है टोटल इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख सकते हो, ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में कब लिया, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859 में, ठीक है। 14 नंबर का जो टॉपिक क्वेश्चन है वो है स्वास्थ्य की संतुलना के घटक नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आर्थिक नहीं है, जबकि सामाजिक मानसिक और शारीरिक तीनों ही है। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है आपका मुंबई में प्लेग की महामारी कब फैली, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 1896 में। और यहाँ पर 16 नंबर का जो क्वेश्चन है भारत सरकार ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास, यहाँ पर देखिए समिति लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर यह होगा समिति नियुक्त की,
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1943 में। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए टाइपिंग वर्ड की मिस्टेक है, तो ये मैंने यहाँ पे करेक्शन किया है, तो ये सही करवानी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद जो है आगे से इस बुक को सहराए और अच्छा से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, सब्र रखिए। ठीक है, 2-5 वैकेंसीज आपकी छूट भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा बुक का भी और वैकेंसीज में सिलेक्शन पाने के लिए भी। ठीक है, 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत सदस्य राष्ट्र के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कब जुड़ा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1948 में। क्वेश्चन नंबर 19, स्वास्थ्य जैसे विषय को संविधान के किस अनुच्छेद में समाविष्ट किया गया, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 246-47 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार ने योजना आयोग कब स्थापित किया, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा 1950 में। 21 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा 1983 में। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान और कला है की परिभाषा किसने दी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा सी ई विंसलो ने। अब यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में ये आंसर की बनाई हुई है, जैसे यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो गया, 22 क्वेश्चन थे उस टॉपिक में। ठीक है, तो इसमें आपकी ऐसे आंसर की रहेगी, अब आंसर की में भी इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। थर्ड क्वेश्चन से उसमें आपका डी ऑप्शन जो है राइट था, यहाँ पे इन्होंने सी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें हैं, ये मैं बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं छोड़ सकता दोस्तों आंसर की में। ठीक है, ये आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मैटर पढ़ने को मिले और आप आसानी से कोई सी भी वैकेंसी आए उसमें सेलेक्शन ले सके। क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हो ऑप्शन ए राइट है, जबकि इन्होंने सी लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन किए हैं मैंने और आगे कर रहा हूँ अभी, सिर्फ 4-5 टॉपिक पे ही किए हैं मैंने, टोटल 42 कंटेन टॉपिक जो है उनके करेक्शन देखने हैं मुझे कहाँ क्या मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद में जो 16 प्रीवियस ईयर पेपर सॉरी 16 जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं वो भी ऐसे ही मुझे प्रूफ रीडिंग करनी है। यहाँ पे 17 में देख सकते हो ए राइट आंसर है 17वें क्वेश्चन में, जबकि इन्होंने बी लिखा हुआ है। 20वें क्वेश्चन में जो है बी आंसर इन्होंने लिखा हुआ जबकि ए आंसर सही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके यहाँ पर, भारत सरकार ने योजना आयोग कब स्थापित किया, तो 1950 में किया था, ए राइट हुआ जबकि इन्होंने यहाँ पर बी लिखा हुआ था, तो ये करेक्शन किए हैं मैंने। ठीक है, खुद ने, तो ये मैं नहीं चाहता 1% भी आपके जो है बुक गलत तरीके से पढ़ने को मिले देखने को मिले, बुक की रेपुटेशन ख़राब हो और आपका सलेक्शन जो है वो रुक जाए, तो मैं आपके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। 2-4-5-10-20 स्टूडेंट को बुक पहुंचाने के चक्कर में सभी को नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, थोड़ी सी मेरी परेशानी और थोड़ा सा पब्लिशर की लापरवाही की वजह से ये बुक लेट हुआ है और कुछ नहीं है, अगर पब्लिशर वाले मुझे टाइम पे काम करके दे देते तो आज ये बुक मार्केट में होता। ठीक है, और आज से 1 महीने पहले होता। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी, जब बुक प्रॉपर आ जाएगा मार्केट में तो हम आपको जरूर जानकारी दे देंगे, शेयर कर देंगे, तो इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को जो है ये पता चले और वो भी जो है इन फ्यूचर जैसे मार्केट में बुक आए तो सभी स्टूडेंट मंगाए और पढ़े। थैंक यू।